नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल ग्रीमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में। मैं आपको बता दूं, आपकी परीक्षा तिथि है वो घोषित की जा चुकी है, साथ ही साथ सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस विश्वविद्यालय के लिए ये अपडेट है और अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए कब तक अपडेट आ सकता है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल ग्रीमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज़। ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ ब्रज विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 25 अप्रैल से थर्ड ईयर के परीक्षा फार्म है वो 9 तक भरे जाएंगे। तो यहाँ पर यह आप साफ साफ दोस्तों देख सकते हैं कि मैं जिस विश्वविद्यालय की फ़िलहाल बात कर रहा हूँ वो है महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर, जहाँ के जो थर्ड ईयर के विद्यार्थी है दोस्तों उनकी जो परीक्षाएँ हैं वो 25 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली है और इसके लिए जो परीक्षा फार्म है वो आपके 9 अप्रैल तक भरे जाएंगे। यह आप देख सकते हैं महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा 25 अप्रैल से है वो परीक्षाएँ आयोजित की जाएगी। परीक्षाओं में करीब 70% सिलेबस आएगा, साथ ही सभी प्रश्न यानी 10 में से 5 करना आवश्यक होगा। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय है उन्होंने इस प्रकार का दोस्तों सिस्टम अपनाया है कि उन्होंने सिलेबस को भी कम किया है और परीक्षा पैटर्न में भी दोस्तों आपको केवल 50% क्वेश्चन ही है वो अटेम्प्ट करने होंगे, जबकि दोस्तों अन्य सभी यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस को यथावत रखा गया है। आपको परीक्षा पैटर्न में है वो 50% क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने की है वो छोड़ दी गई है। आपके जो सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं उनके सिलेबस भी कम हुआ है 30% तक, और उनका जो परीक्षा पैटर्न है उसमें भी आपको दोस्तों केवल 10 में से है वो 5 क्वेश्चन ही है वो करने होंगे। साथ ही साथ में दोस्तों जो यूनिट सिस्टम की बाध्यता थी जो पिछले वर्ष भी नहीं थी वो इस वर्ष भी नहीं है, तथा दोस्तों आपका है जो परीक्षा है वो लेकिन आपके 3 घंटे की ही है वो होने वाली है। ये आप देख सकते हैं परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर फरवर सिंह ने बताया है कि परीक्षाओं के प्रारंभ होने की जो प्रस्तावित तारीख रहेगी वो आपके 25 अप्रैल है। सिलेबस है वो आपके विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। अब तक करीब 66,000 परीक्षा फार्म अपलोड हुए हैं। स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा फार्म 9 अप्रैल तक तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्ध परीक्षाओं के जो परीक्षा फार्म है वो 12 अप्रैल तक आपके भरे जाएंगे। साथ ही साथ में स्नातक द्वितीय वर्ष के जिन विद्यार्थियों ने अभी तक प्रथम वर्ष की मार्कशीट के लिए 10वीं और 12वीं के अंक अपलोड नहीं किए हैं अब वो 8 अप्रैल तक जल्द से जल्द अपने अंक अपलोड कर दे। तो सबसे बड़ी अपडेट तो यही है कि आपके 25 अप्रैल से परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली है, 70% सिलेबस और 50% परीक्षा पैटर्न के साथ में, जबकि अदर यूनिवर्सिटीज़ में केवल 50% परीक्षा पैटर्न किया गया है। अब जहां तक दोस्तों बात आती है राजस्थान विश्वविद्यालय और JNVU भी ये बात कह चुके हैं, हालांकि राजस्थान विश्वविद्यालय का अभी नोटिस आना बाकी है 50% सिलेबस का, और जबकि अन्य विश्वविद्यालयों की मैं बात करूं, चाहे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय हो या आपके शेखावाटी विश्वविद्यालय हो या आपके राजऋषि भरतरी मत्स्य विश्वविद्यालय हो या दोस्तों आपके महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय हो, उन सभी में भी दोस्तों लगभग ये फिक्स ही मानकर चलिए कि 50% परीक्षा पैटर्न आएगा। हालांकि दोस्तों अभी तक ये ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन अन्य विश्वविद्यालयों ने जिस प्रकार से निर्णय लिया है पूरी उम्मीद है कि ये विश्वविद्यालय भी उसी प्रकार निर्णय लेंगे। हम सभी विश्वविद्यालयों के जो दोस्तों जानकार है या माननीय है जो ये निर्णय लेते हैं उनसे ये निवेदन करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस संबंध में निर्णय लेकर विद्यार्थियों को राहत प्रदान करें ताकि विद्यार्थी है वो अपनी परीक्षा की तैयारियों में समुचित रूप से लग सके। यही दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही थी। और भी कोई अपडेट राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय से आती है तो सबसे पहले आपको हमारे अपने चैनल ग्रीमा बोथरा के माध्यम से जानकारी देकर के अपडेट कर दिया जाएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें।